All right, hello everyone. So let's discuss how Nifty and Bank Nifty can move for tomorrow. उसके पहले आज का understanding कर लेते हैं price action. तो कल का जैसे हमने video बनाया था, we said that अगर gap open हुआ and buyers are not able to hold it, we are going to get a better trade on the shorter side. वैसे ही हुआ है आज. We got almost around 100 points in Nifty trade. Also, फिर Nifty में हमने और एक almost around 100 points का trade यहाँ पे भी किया. So it was a very good day for us. Yesterday के sideways market में जितने भी minor stop losses या फिर छोटे-छोटे losses जो किए थे, उस सब का जो रीइंबर्समेंट है वो आज के इस डाउन मूव में हो चुका है. एंड ऑफ द डे में देयर वर टू माइनर स्टॉप लॉसेस, लेकिन द पॉइंट्स वर वेरी स्मॉल एंड इवेंचुअली आई थिंक ये जो मोमेंटम था मेजर वाला जो आया था आज, उसने सब कुछ रिकवर कर दिया. सो नाउ हाउ वी कैन लुक एट इट गोइंग फॉरवर्ड, हाउ कैन वी ट्रेड द नेक्स्ट प्राइस एक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस निफ्टी. तो आई थिंक सो निफ्टी में यहाँ पे जो लेवल है विच इज एग्जैक्टली आज का हाईज, दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वेन गोइंग फॉरवर्ड. ऑल्सो हमने प्रीवियसली भी मार्क किया हुआ था 19200 का लेवल, 19233 का लेवल, दीज आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज गोइंग फॉरवर्ड. उसके पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग हियर. यहाँ पे नीचे की तरफ निफ्टी ने अब दो गैप्स क्रिएट किए हैं. पहला गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किया, सेकंड गैप इट हैज क्रिएटेड समवेयर अराउंड हियर. एंड नाउ इफ निफ्टी प्रोसीड्स ऑन द अपसाइड हियर, इट विल कीप दीज टू ऑब्जेक्टिव्स पेंडिंग ऑन द डाउनसाइड. मतलब यहाँ पे अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश होती है यहाँ पे, एंड इफ इट मेक्स अगेन अ ट्रैप अराउंड हियर, यहाँ पे फिर से अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें बड़ा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है. ऑब्वियसली दिस कैन हैपन विद इन 2 to 3 सेशंस जब भी ये स्टार्ट होगा. लेकिन नीचे की तरफ ऐसे जो बड़े गैप्स बनते हैं, दिस गैप इफ यू मैप फ्रॉम द बॉटम, दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट्स टिल दिस पॉइंट, इट इज 75 पॉइंट्स. दिस इज अ मेजर गैप. तो ऐसे गैप्स जो होते हैं जनरली मार्केट डजंट कीप अनफिल्ड, ये जनरली फिल होते हैं. सो वी शुड बी प्रिपेयरिंग टूवर्ड्स देम. लेकिन इन अ शॉर्टर टर्म अगर मार्केट फिर से गैप ओपन हो जाता है, देर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डेटा कमिंग एज वेल टूडे इन द यूएस मार्केट, तो वहां पर भी थोड़ी सी हलचल हो सकती है. लेकिन इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम मार्केट कैन स्पेंड वन और टू मोर सेशंस इन दिस सिनेरियो इन अ पॉजिटिव बायस अ लिटिल बिट. इट कैन टेस्ट दिस, इट कैन ब्रेक हायर, एंड वहां पर फिर से बायर्स का स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद में इफ द बायर्स आर नॉट एबल टू होल्ड, वी कैन ईजिली ट्रेड सम शॉर्ट्स फ्रॉम हियर. इसके नीचे अब हमें जो मेजर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी फॉर दिस वन. सो दिस इज ओवरऑल सिनेरियो फॉर नॉट जस्ट फॉर वन डे, ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रेच्ड ओवर 2 to 3 सेशन, मे बी 3-4 सेशंस. यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एग्जैक्टली बिहेव करता है उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा. बट वन थिंग इज क्लियर, इफ द बायर्स आर नॉट एबल टू होल्ड इट अगेन हियर, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन अब बन चुका है. मे बी इसको एक दो बार और टेस्ट करे, लेकिन इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव जो बन जाता है प्राइस का, इट बिकम्स द टेस्ट एंड फिलिंग ऑफ दीज टू गैप्स. आई होप द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर. शॉर्टर टाइम फ्रेम में इफ इट ओपन विद अ गैप अप, इट कैन गो लिटिल हायर. बट इफ इट रिजेक्ट फ्रॉम हियर, वी हैव अ बिगर ट्रेड ऑन द डाउन साइड रादर देन ऑन द अपसाइड. ओके, एंड अपसाइड के लिए ओनली लेट इट क्रॉस अबाउट दिस 19230, इवेंचुअली 19230-40, लेट इट क्रॉस इट प्रॉपरली कंफर्टेबली. उसके बाद में अग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने में सेंस बनेगा, अदरवाइज वी शुड बी फोकसिंग ऑन शॉर्टर ट्रेड्स हियर वेयर वी कैन गेट अ रिजेक्शन एंड अ गुड रिवॉर्ड ऑन द डाउन साइड. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी हियर. तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज इवन मोर क्लियर. एज यू कैन सी बैंक निफ्टी में भी दो गैप्स है बाय द वे ऑन द डाउन साइड. ऊपर की तरफ आज के बाद में जो ओपनिंग में जो बायर्स का ओवर बायर ने कंट्रोल लिया था, उसके बाद में वी सॉ अ स्टीप फॉल फ्रॉम देयर. वी सॉ ऑलमोस्ट अराउंड बैंक निफ्टी में भी वी सॉ अराउंड 450 पॉइंट. दैट वॉज अ मेजर ट्रेड. हमने यही ट्रेड फिन निफ्टी में पकड़ा. एज यू कैन सी हियर, फिन निफ्टी में हमने 19400 का पी बाय किया था, विच गेव ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट. सो इट वॉज अ वेरी प्रॉपर एंड बिगर ट्रेड. सो ऐसे जो साइडवेज दिन में छोटे छोटे लॉसेज बनते रहते हैं, वन गुड डे एंड ऑल द लॉसेज गेट रिकवर्ड, प्लस यू मेक सम मोर मनी. ओके, सो दिस इज द मेजर साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग द साइडवेज मार्केट एंड ट्रेडिंग द ट्रेंडिंग डेज और बिगर ट्रेंड्स फॉर ऑप्शन बायर्स. So we have to work with the risk reward and we have to catch some bigger moves to make up for those sideways days जहाँ पर हमने छोटे छोटे losses लिए होंगे. Okay, so that's about it about the psychology. लेकिन फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा दैट दिस लेवल 19,386 यहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया. ओपन आई जो था इसको काट के इट माइट हैव ट्रैप्ड सम बायर्स हियर, लेकिन इवेंचुअली इट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ. सो दिस लेवल 19,386 दिस विल बिकम एज अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड. तो 19,300 यहाँ पे भी जो सेकंड हाफ में थोड़ा सा राइज आने की कोशिश हुई थी, इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस इट हियर. लेकिन उसके बाद में कल का ओपन, इफ इट अगेन ओपन विद अ गैप अप, बायर्स के लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफिकल्ट रहेगा, सिंस
इवन इफ वी ट्राई टू एंटर लॉन्ग्स, यहाँ पर रिवॉर्ड का थोड़ा सा सिनेरियो रहेगा दैट वी माइट नॉट गेट एज मच रिवॉर्ड एज वी आर रिस्किंग, बिकॉज इफ दिस लेवल गेट्स क्रॉस्ड ओनली देन वी माइट थिंक अबाउट लॉन्ग्स. लेकिन कॉन्करेंटली या फिर साइड बाई साइड वी शुड लुक फॉर निफ्टी एज वेल. इवन इफ दिस लेवल गेट्स क्रॉस्ड इन फिन निफ्टी, वी शुड लुक फॉर निफ्टी रेफरेंस एज वेल. इज दिस लेवल गेटिंग क्रॉस्ड इन निफ्टी, इज 19200 प्लस होल्डिंग कंफर्टेबली इन निफ्टी, ओनली देन एंटरिंग लॉन्ग्स इन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी वुड मेक सेंस. आई होप दिस लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस इज गेटिंग क्लियर. अगेन फिन मिड कैप निफ्टी में इज द ओनली प्लेस जहाँ पे नीचे की तरफ का ये गैप फिल हो चुका था, एंड आज का जो गैप बना है मिड कैप निफ्टी डिडंट शो एनी साइन ऑफ नेगेटिवनेस. एक्चुअली इट स्टेड इन अ रेंज फॉर द फुल डे. ओपनिंग में जो भी रेंज बनाया हुआ था उसी रेंज में टिका रहा. सो इफ ओपनिंग टुमारो इज विथ अ गैप अप, सो फर्स्ट सिनेरियो कंसिडर करते जैसे हमने कल किया था विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, कि ओपनिंग अगर गैप अप होता है सो विच इंडेक्स शुड बी प्रेफर. इन दिस केस इफ द ओपनिंग इज टुमारो विद गैप अप इन मिड कैप निफ्टी, देर माइट बी सम मूव ऑन द अपसाइड. मतलब शायद से 8850 मतलब प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा, मतलब आज का जो भी हाई रहेगा 8845 के ऊपर, इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो यू माइट सी सम बुलिश मोमेंटम इन मिड कैप निफ्टी, बट दैट शुड बी ऑल्सो यूज एज अ स्कैल्प एंड रन अपॉर्चुनिटी रादर देन वेटिंग फॉर अ वेरी बिगर ट्रेड. इंट्राडे के हिसाब से वी शुड बुक द प्रॉफिट्स अराउंड दैट. अदरवाइज द मेजर सिग्नल शुड बी गिवन बाय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जहाँ पे अगर इफ वी गेट टू सी इवन अ गैप ओपन समय अराउंड हियर 43200 मे बी 43250, यहाँ से किसी भी फिर से रिजेक्शन दिखता है तो मेजर ऑब्जेक्टिव वी हैव टू रिमेंबर दैट इट शुड बी ऑन द डाउन साइड, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट्स का आर आर बेटर रहेगा लॉन्ग से. लॉन्ग्स के लिए लॉन्ग्स को ट्रेड करने में आपको दिक्कत आएगी बिकॉज देर विल बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फेसिंग अराउंड हियर, जहाँ पे भी ये सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था मेजर जो भी सेलर्स है यहाँ पे दे माइट ट्राई टू रेजिस्ट एनी अप मूव दैट माइट बी कमिंग हियर. सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन शॉर्ट्स वेन एवर वी सी रिजेक्शन साइंस इन द मार्केट, बिकॉज शॉर्ट्स ट्रेड करना विल बी ईजियर कंपेरेटिवली लॉन्ग्स. नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज इफ वी ओपन विद द गैप डाउन, मतलब कल का ओपन अगर गैप डाउन के साथ में हो जाता है सो इट बिकम्स लिटिल क्लियरर दैट कि अगर कल का ओपन यहाँ पे कभी हो जाता है इफ यू ब्रेक बिलो द प्रीवियस डे लो देन इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट वी शुड गो फॉर दिस गैप फिल फर्स्ट, एंड यहीं पर अगर सस्टेन कर देता है तो इवेंचुअली दिस गैप फिल कम्स इन टू प्ले. सो इधर वे वी शुड बी रेडी फॉर अ डाउन ट्रेंडिंग मूव अगर गैप डाउन के साथ में मार्केट खुलता है, इफ इट ब्रेक्स बिलो द प्रीवियस डे लो. अदरवाइज इफ द ओपन इज फ्लैट, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ओपनिंग अगर फ्लैट होता है, मतलब ये तो बैंक निफ्टी ओपन हैपन्स बिटवीन 42800 या फिर 43100 के बीच में अगर होता है, नीदर बायर्स टेक द कंट्रोल नीदर सेलर्स टेक द कंट्रोल, देन ऐसे केस में इट शुड बी अ साइडवेज डे टोटली, बिकॉज ऐसे दिन पे जब भी बड़े मोमेंटम आने होते हैं प्राइस माइट गो साइडवेज फॉर वन और टू सेशंस टू रिमूव द वीकर हैंड्स, जो ओवर ट्रेडिंग करवा के काफी लोग लॉसेस करवाते हैं या फिर छोटे छोटे जो स्पाइक्स आते हैं उसमें काफी पोजिशनल ट्रेडर्स भी आउट हो जाते हैं. ऐसे केस में मार्केट जनरली कैन गो साइडवेज अराउंड हियर, यहाँ पे कोई भी बड़ा मोमेंटम ना देते हुए इट कैन जस्ट स्टे इनटू दिस रेंज एंड मेक मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर ट्रेड, एंड एक दो दिन के अंदर फिर से इट माइट इनिशिएट अ प्राइस एक्शन लाइक दिस, एंड उसके बाद में फिर से ये अपनी मेजर ऑब्जेक्टिव तरफ जा सकता है. ओके सो पॉइंट ऑफ द ओवरऑल पॉइंट ऑफ दिस इज कि अगर फिर से रेंज में अगर ओपन हो गया नीदर बायर और सेलर्स टेक द कंट्रोल देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये हमें एक साइडवेज दिन देखने को मिल सकता है. ओके सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग. आई होप यू हैड अ ग्रेट डे ट्रेडिंग दिस सेल ऑफ, बिकॉज जैसे एक्सपेक्टेड था कि गैप अप के बाद में इफ देर आर नो बायर्स टेकिंग कंट्रोल एंड दे आर नॉट एबल टू होल्ड देन हम एक सेलिंग दिख सकते हैं. इट वॉज अ वेरी गुड डाउन मूव टू ट्रेड, इवन इफ यू हैव मिस दिस बिगर गैप अप इंट्राडे में हमें एक अच्छा खासा मूव ट्रेड करने के लिए मिला. ओके सो दैट्स इट फॉर द टाइम बींग, एंड आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियोज, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स द सेम. ओके सो दैट्स इट फॉर द टाइम बींग, सी यू सून.